नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज पारासाइटेरियम से आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत फूलों के पौधे के बारे में जिसको जेट्रोफा कहा जाता है। यह साल भर फूल देने वाला बहुत ही खूबसूरत पौधा है। तो चलिए जानते हैं इसके रखरखाव के बारे में। यह एक परमानेंट हार्डी प्लांट है। इसको जेट्रोफा या लाल चांदनी भी कहा जाता है। इसकी दो वैरायटियां आती हैं, जिसमें केवल एक ही रंग के फूल आते हैं, वह है लाल रंग के। दोनों वैरायटियों में ही लाल रंग के फूल आते हैं। बस अंतर इतना होता है कि देसी वैरायटी में थोड़ा सा पिंकिश शेड में फूल आते हैं और जो इसकी हाइब्रिड वैरायटी है पुणे वैरायटी, उसमें डार्क रेड कलर के फूल आते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसकी देसी वैरायटी के बारे में। दोनों वैरायटियों में कुछ ही समान से अंतर होते हैं, जैसे फूलों का। इसके फूलों का रंग हल्का सा गुलाबीपन लिए हुए होता है और जो हाइब्रिड होते हैं उनके फूल डार्क रेड कलर के होते हैं। इनके पत्ते सामान्य होते हैं और जो हाइब्रिड होते हैं उनका त्रिशूलाकार, पत्तों का आकार त्रिशूल के तरह होता है। फूलों की साइज की बात करें तो हाइब्रिड में थोड़े बड़े साइज के फूल आते हैं, इनके फूलों का साइज थोड़ा छोटा होता है हाइब्रिड से। अगर प्रूनिंग की बात करें तो इसको प्रूनिंग करने के बाद जो इनके डालों के बीच की गैप होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए ये बूशी नहीं हो पाते हैं। इनके डालों में थोड़ा सा गैप ज्यादा आता है हाइब्रिड की तुलना में। हाइब्रिड की जहाँ चिपकी हुई डालें थोड़ी सी आती है, इनकी डालों के बीच में गैप ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा बूशी नहीं हो पाते हैं इस वजह से। अगर गमले की बात करें तो आप इसको 12 से 14 इंच के गमले में आराम से ग्रो कर सकते हैं। और इसकी सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको वेल ड्रेन सॉइल की चाहिए। और ये एक प्लांट है तो इसको फुल डे की सनलाइट चाहिए, जहाँ पे पूरे दिन इसको धूप मिल सके, उसको ऐसे जगह पे आप रखिए। खाद की बात की जाए तो इसमें साल में दो बार आप वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, एक आप फरवरी के शुरुआत में और दूसरा आप इसको ये मानसून खत्म होने के बाद एक बार इसमें आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे दीजिए, ये अच्छे से उसमें चलता रहेगा। अगर बात करें इस ठंडी में इसके रख रखाव की, तो ठंडी में अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाएगा तो इसके पूरे पत्ते गिर जाएंगे। अगर उससे ऊपर रहेगा तो ये आराम से चलता रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी और ये थोड़े थोड़े फूल देता रहेगा। अगर 10 डिग्री टेम्परेचर से डाउन होता है टेम्परेचर आपके एरिया में तो इसमें एक भी फूल नहीं आएंगे और इसके पूरे पत्ते गिर जाएंगे। इसमें आप एक काम करिए, जब इसके फूल खत्म हो जाए तो उनको आप पिंच करके निकाल दिया करिए, जिससे इसमें नई ग्रोथ चालू हो जाएगी। इस तरह पिंच करके निकाल दीजिए तो इसमें नई ग्रोथ चालू हो जाएगी और ये चलते रहेंगे।
इसमें पानी तभी दीजिए जब मिट्टी की ऊपरी सतह 1 से 1.5 इंच तक ड्राई हो जाए। अब बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की। कटिंग से आसानी से ये तैयार किया जा सकता है। मानसून के महीने में आप इसकी 8 से 9 इंच की कटिंग को सेमी हार्ड कटिंग को लेकर के लगा दीजिए, ये आसानी से तैयार हो जाता है। अगर बात की जाए इसके पेस्ट या इंसेक्ट की अटैक के बारे में, तो इसमें इसकी समस्या नहीं आती है। रही बात रिपोर्ट की, तो इसको आप साल में दो साल में रिपोर्ट कर सकते हैं। रही बात खाद देने की, तो आप इसमें साल में 2 बार खाद दे दीजिए। अन्य पौधों के को खाद देते हैं उसी पर समय, इसको भी अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी अन्य आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद मित्रों।